भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, जो 19,000 करोड़ किलो दूध हर साल प्रोड्यूस करता है, जिसमें से केवल 5.5 करोड़ किलो दूध और दूध से बने उत्पादों को विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। बाकी के दूध की खपत हमारे देश में दूध, घी, पनीर, मक्खन, पिज्जा, बिस्किट, ब्रेड और प्रोसेस्ड फूड्स के रूप में हो जाती है। जाने का तो साफ है, पर ये दूध आता कैसे है? इस बड़े नंबर के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा है। गाय में सोमाटोट्रोपिन और ऑक्सीटोसिन प्राकृतिक रूप से छोटी मात्रा में पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं, जिससे मिल्क प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाती है। पर डेयरी फार्म्स में जब गाय बच्चा देती है और अपने बच्चे के लिए दूध देती है, तब आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स उनके थनों में लगाए जाते हैं। जब 60 दिन पर दूध का उत्पादन सामान्य रूप से घटने लगता है, तब यह हार्मोन देने की प्रक्रिया हर 14 दिन में दोहराई जाती है। ऐसा करने से दूध की प्रोडक्शन 30% तक बढ़ जाती है। कहने को तो सोमाटोट्रोपिन जैसे सिंथेटिक हार्मोन हमारे देश में बैन है, पर देश के कई राज्यों में इसका इस्तेमाल होने के केसेस सामने आए हैं। अब आर्टिफिशियल हार्मोन से जो दूध की मात्रा बढ़ाई गई है, उसे इकट्ठा करने के लिए गाय पर दूध निकालने वाली मशीन लगाई जाती है, जो दिन में एक नहीं, दो नहीं, पर 6 बारी दूध निकालती है। इतनी बेरहमी से मशीनों द्वारा दूध निकाले जाने पर गायों के थनों में इन्फेक्शन हो जाता है। मेस्टाइटिस गायों में एक आम बीमारी है, जिसकी वजह से थनों में सूजन और पस पड़ जाती है। अब इस इन्फेक्शन को काबू करने के लिए, ताकि दूध की प्रोडक्शन चलती रहे, डेयरी फार्म्स गायों को एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं। जैसे माँ के दूध के जरिए हमारे शरीर में न्यूट्रिशन जाता है, ठीक उसी प्रकार गाय के दूध का सेवन करने से हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स भी जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि जब हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तब हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमारे बीमार पड़ने पर डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई का हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया पर धीरे धीरे असर कम होना और फिर बंद हो जाना है, जिसकी वजह से हम लंबे समय तक बीमार रहते हैं और कई बार इन्फेक्शन ठीक ना होने की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। कमर्शियल लेवल पर एंटीबायोटिक्स के बिना दूध प्रोड्यूस करना नामुमकिन है, इसीलिए FSSAI ने भी दूध में एंटीबायोटिक्स एक मात्रा तक अलाउ कर रखे हैं। अब क्योंकि लंबे समय के लिए मशीनों द्वारा दूध निकाले जाने की वजह से गाय के थनों में इन्फेक्शन हो जाता है और पस पड़ जाती है, तो वही पस दूध में मिल जाती है। क्योंकि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए पस सेल्स का बाजार में बिकने वाले दूध में होना एक आम बात है। यानी कि जब 1 किलो दूध में 10 से 15 करोड़ पस सेल्स मौजूद होते हैं, तब उस दूध को क्लीन मिल्क का लेबल लगाकर आपको बेच दिया जाता है। आजकल खाने को उगाने के लिए पेस्टिसाइड्स का दिल खोलकर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक उसी तरह गाय के खाने को उगाने के लिए भी फार्मर्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। FSSAI ने एक टेस्ट किया, जिसके रिजल्ट्स के हिसाब से 40% दूध सेफ्टी और क्वालिटी पर फेल हुआ। दूध, सब्जियों और एनिमल फीड में DDT का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि DDT दूध के जरिए ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है और माँ के जरिए बच्चों में जाता है। ऐसे दूध का सेवन करना जिसमें पेस्टिसाइड्स का भारी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है, उसकी वजह से पैनक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया, स्किन सेंसिटाइजेशन, एलर्जी, रैश भी हो सकते हैं। ये तो वो कंटामिनेंट्स थे जो दूध के साथ हमारी बॉडी में जाते हैं, पर ऐसे कई अडल्ट्रेंट्स हैं जो दूध में डेयरी इंडस्ट्री मिलावट करने के लिए इस्तेमाल करती है। डेयरी फार्म्स द्वारा बेचे जाने वाले दूध की हैंडलिंग और पैकेजिंग में स्वच्छता की कमी के कारण उसमें तरह तरह के कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं। डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च, ग्लूकोज और फॉर्मुलाइन आम अडल्ट्रेंट्स है, जिसका डेयरी इंडस्ट्री मुनाफे के लिए इस्तेमाल करती है। मिलावट को दूध गाढ़ा करने और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। डेयरी इंडस्ट्री में दूध की मिलावट इस हद तक बढ़ गई है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े अधिक चौंकाने वाले थे, जिसमें कहा गया है कि भारत में बेचे जाने वाले लगभग 90% दूध और दूध उत्पादों में किसी न किसी रूप में मिलावट की गई है। मामला इतना संगीन है कि WHO ने भारत सरकार को दूध में मिलावट के प्रति एक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस समस्या को वक्त रहते ना सुलझाया गया, तो 2025 तक 90% नागरिकों को कैंसर हो सकता है। अगर ये सब जानबूझकर भी आप दूध पीना चाहते हैं तो पीजिए, पर वो इसलिए नहीं क्योंकि वो आपकी और आपके बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है, पर सिर्फ स्वाद के लिए। पर अगर आप स्वाद भी चाहते हैं और स्वास्थ्य भी,
तो प्लांट से बना दूध पीजिए, पेन से नहीं। आ,